सो गाइस इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा आप अपने कोई भी Xiaomi फोन पे कैसे आप गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा एक गूगल कैमरा, एक ऐसे गूगल कैमरा जो सारे के सारे Redmi सीरीज के डिवाइस में सपोर्ट करेगा, आपका चाहे Redmi Note 4 हो, Redmi Note 5 हो या Redmi Note 5 Pro हो, उन सारे डिवाइस में गूगल कैमरा, एक ही कैमरा सारे डिवाइस में सपोर्ट कर जाएगा मेरे हिसाब से। सो एक्साइटेड है जानने के लिए, सो देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इस गूगल कैमरा का लिंक डाउनलोडिंग में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके, दो लिंक होगा, एक फाइल अपलोडर का और दूसरा होगा गूगल ड्राइव का, आप वहां से जाके चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो काफ़ी आराम से सिंपल प्रोसेस के साथ डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। सो यहां पर इंस्टॉल हो जाने के बाद आप सिंपली यहां पर, आप मैं यहां पर इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूं Redmi Note 5 Pro। तो यहां पर आप सिंपली कैमरा को ओपन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली दो तीन परमिशन को अलाउ कर देना है, उसके बाद कैमरा ऑटोमेटिकली काफी वर्क करने के काबिल हो जाता है। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है थ्री डॉट्स, तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पर सेंटर को, मतलब ऑब्जेक्ट का फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा में व्यू कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर से क्लिक करके यहाँ पर से देख सकते हैं, आप यहाँ पर पैनोरामा को यूज कर सकते हैं। लेंस ब्लर को काफी आराम से आप यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। अगर आपके फोन में अभी तक पोर्ट्रेट मोड ऑफिशियली अवेलेबल नहीं हुआ है, ऑफिशियली पोर्ट्रेट मोड MIUI 10 पे नहीं आया है, तो आप इस कैमरा को यूज करके आप अपने पोर्ट्रेट मोड को यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। सो यहाँ पर आपको काफी अच्छा सेटिंग्स भी मिल जाता है, आप यहाँ पर से सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका कुछ सेटिंग्स आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स पे, तो अभी तक ऑफिशियली Redmi Note 5 Pro में अभी तक 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप रेजोल्यूशन एंड क्वालिटी पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैक कैमरा वीडियो पे आपको यहाँ पर 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा बात है। यहाँ पर पैनोरामा रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं, यहाँ पर इमेज क्वालिटी को सेट कर सकते हैं, एंड देन बैक कैमरा फोटो को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड देन फ्रंट कैमरा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर एडवांस पे आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैनुअल एक्सपोजर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो एक्सपोजर को कंट्रोल करने से काफी अच्छा आपको फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, जो कि DSLR टाइप फोटो काफी आराम से क्लिक हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ शॉट भी आपको लास्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड देन ये इस कैमरा को यूज़ करके आप अपने Redmi Note 4 या सारे ऑल अदर डिवाइस, Redmi सीरीज के जो भी डिवाइस है, उन सारे डिवाइस में इस कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। सो ये गूगल कैमरा के एप्लीकेशन के रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और हाँ मेरा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना मैं, क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा MIUI रिलेटेड, टेक रिलेटेड पोस्ट डाल रहा हूँ, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट करके फॉलो कर सकते हो, जो कि मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा और आप वहां से फॉलो कर सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।